तो गाइस मैं अभी ईरान एयरपोर्ट पे हूँ और घर के लिए निकल रही हूँ। तो भूख लग रही थी तो यहाँ कुछ खाने के लिए आई। मेरे साथ कुछ ओमान के लोग भी थे जिनके साथ मैंने थोड़ा मैनेज किया अपना लगेज वेट को, और अभी बॉडी बॉडी सब कुछ हो गया, अंदर आ गई हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं इन दोनों को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ जो मुझे एयरपोर्ट पे मिले ये, और इनके साथ फ्रेंडशिप हुई, और जो भी इसमें सामान दिख रहे हैं सारा इन्होंने मुझे ला के दिया इनके पैसों से, क्योंकि मेरे पे जो डॉलर था उनका इनके पास चेंज ही नहीं था। यहाँ पे प्रेयर रूम है इसीलिए मैं यहाँ जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए। प्रेयर रूम कितना प्यारा सा है। लिए चालू हो चुकी है बट इतनी लंबी लाइन के बाद मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ ताकि मैं ख़त्म होने के बाद यहाँ से चले जाऊँ। तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं फ्लाइट की तरफ, और अभी सही बोलूँ जा ही रही हूँ यहाँ से, और मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं पीछे से। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सामान एयर सर्विस में, ठीक है, तो अंदर पहुँच के आप लोगों को दिखाते हैं सामान एयर सर्विस कैसा है। तो अंदर पहुंच के कुछ ऐसा था, ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा था, और यहाँ पे मेरे को विंडो सीट मिला, और ये रहे मेरे ओमान के फ्रेंड्स। सो आसमान से कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा था, रात को आपको भी पता है इतना अच्छा भी नहीं लगता है, दिन में होता तो और अच्छा होता। तो यहाँ मस्केट से मुझे मिल चुकी है दूसरी बोर्डिंग पास, और मैं यहाँ जा रही हूँ सीट इन, मेरा गेट नंबर है। तो कुछ इस तरह का है, अच्छा लग रहा है। ईरान वाली एयरपोर्ट से तो अच्छा ही है, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। इस तरह की हालात है मेरी। क्या पड़ेगा भाई, एयरपोर्ट तो तकड़ी बनाई है इन्होंने, यहाँ पे वुजू वगैरह करके। यहाँ मस्कट में भी प्रेयर रूम है तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ फिलहाल के लिए। अभी रात के 10 बज रहे हैं यहाँ पे और मेरा फ्लाइट है 1:55 पे। पता नहीं 2 बजे तक भी क्या करूँगी। उनका प्रेयर रूम कुछ इस तरह है। नमाज पढ़ के मैं निकल चुकी हूँ गेट की तरफ, क्योंकि एक ऑलमोस्ट बज चुका था। देखो गाइस मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, मेरा हालात देख सकते हो आप। तो गाइस कुछ इस तरह का था फ्लाइट के अंदर, इंडियंस बहुत थे, और ये मेरा हालत तो ख़राब है। यहाँ मेरे को इन्होंने कुछ दिया, इसको खोल के मैंने देखा इसमें ईयरफोन्स थे, फिर मैंने इसको इसमें लगाया, और उसके बाद मैंने एक मूवी स्टार्ट की। यहाँ पे भी आप मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हो, क्योंकि मेरे को मिल चुकी थी यहाँ भी विंडो सीट, और जो भी यहाँ पे दो सीट था बगल में उनमें कोई था ही नहीं, तो मैं अच्छे से लेट के सो के गई थी बिल्कुल आराम से। सुबह मैंने आंखें खोला तो यहाँ से बिल्कुल धूप निकल रही थी, फिर यहाँ से मैंने देखा दिल्ली का पॉल्यूशन स्टार्ट। पहुँच चुके हूँ और अभी यहाँ बैग वगैरह लेने के लिए जा रही हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और हेडेक भी हो रही है। यहाँ से चली मैं बैग वगैरह लेने, फिर बाहर निकलते ही मैंने की उबर, और उबर से मैं चली गई अपने होटल की तरफ। फिर शाम को मैंने बुकिंग की बस की जम्मू तक, और मैं अभी निकल चुकी हूँ जम्मू के लिए। डिस्कशन कर रहे हैं ये लोग, स्टिल अकेले ट्रैवल कर रही हैं। गाइस यहाँ से शुरू हो रही है दूसरी जर्नी श्रीनगर तक के लिए। फिर यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ। हालत देख रहे हो, ट्रैवल कर कर के ना बुरा हाल हो गया मेरा, से तो वो बर्दाश्त नहीं हुई तो मैं यहाँ कुछ खाने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने खाया डोसा, और यहाँ गई मैं गेट नंबर की तरफ, फिर फ्लाइट के अंदर जाके देखा मैंने धुआं ही धुआं निकल रहा था। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर, इतने सारे गाड़ियाँ आए थे मेरे वेलकम के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। कश्मीर में तो मैंने व्लॉग बनाई नहीं अच्छे से। सो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, थैंक यू फॉर